बिल्डिंग की मरम्मत में हुई कोताही, सोसाइटी वासियों ने आवाज उठाई। सुपरटेक एमराल्ड कोल्ट में बिल्डर ने मरम्मत से संबंधित सेवाएं देना बंद कर दी हैं। इसके विरोध में लोगों ने सोसाइटी परिसर में जमकर हंगामा किया। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि आईएफएमएस के 9 करोड़ रुपए दिए बिना बिल्डर ने सेवा देनी बंद कर दी। आरडब्ल्यूए ने बिल्डर के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण, जिलाधिकारी, एसपी सिटी और एसपी सिटी से शिकायत की है। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि 4 दिन पहले नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डर को आईएफएमएस के रूप में जमा पैसों को आरडब्ल्यूए को देने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद बिल्डर इसको लेकर लापरवाही बरत रहा है। 24 बिल्डरों का सीसी हुआ रद्द, फ्लैट का इंतजार हुआ लंबा। रेरा का असर धीरे धीरे अब दिखना शुरू हो गया है। इससे आवंटियों को अब सुविधाएं तो सब मिलेंगी, मगर फ्लैट का इंतजार लंबा हो जाएगा। इनमें से अधिकांश प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको कब्जे में देने की समय सीमा बहुत पहले से बीत चुकी है। इसका हालिया उदाहरण है गाजियाबाद का, जहां 24 बिल्डर के कम्प्लीशन प्रमाण पत्र आवेदन रद्द होने से लगभग 8,000 फ्लैटों का कब्जा अब देर से मिलेगा। जिन 24 बिल्डर के कम्प्लीशन प्रमाण पत्र आवेदन रद्द हुए हैं, इनमें से अधिकांश ने खरीदारों को यकीन दिलाया था कि दिवाली तक फ्लैट का कब्जा दिला दिया जाएगा। 15 अगस्त तक बनेगी बात, प्राधिकरण देगा किसानों को सौगात। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में जमीन अधिग्रहण के बदले दिए जाने वाले 6% प्लॉट के आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। 15 अगस्त तक आधा दर्जन गांवों में करीब 200 किसानों को आबादी प्लॉट आवंटन का लक्ष्य रखा गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का नियोजन विभाग किसानों को आबादी आवंटन के मामले में काफी बदनाम रहा है। आए दिन आरोप लगाए जाते हैं कि नियोजन विभाग जिस किसान पर मेहरबान होता है उसे अच्छी लोकेशन का प्लाट दे दिया जाता है, और जिन किसानों की प्राधिकरण में पहुंच नहीं होती उनके प्लाटों का आवंटन भी नहीं किया जाता। अगर है विदेश में प्रॉपर्टी तो हो जाइए आगाह। विदेशों में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत से रईस भारतीयों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टेढ़ी नजर है। पिछले 2 महीनों में इस तरह के कम से कम 12 लोगों से विदेश में प्रॉपर्टी संबंधित रेंटल इनकम पर टैक्स न चुकाने के लिए पूछताछ की गई है। इन प्रॉपर्टीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत खरीदा गया था। इस स्कीम में एक व्यक्ति को विदेश में एक वर्ष में $2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करने की अनुमति है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को छोड़कर व्यक्ति को उसके मालिकाना हक वाली सभी प्रॉपर्टीज के रेंट या डीम्ड रेंटल इनकम पर टैक्स चुकाना होता है। आखिरकार आधार कार्ड कैसे बना प्रॉपर्टी कार्ड? मोदी सरकार बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदने पर आधार नंबर को जरूरी करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार अब देश भर में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करने जा रही है। इसके लिए सरकार संपत्ति कानून 1908 के सेक्शन 32 और 32A में संशोधन कर सकती है। कानूनी हकदार नहीं होने की स्थिति में उस संपत्ति पर कोई और कब्जा कर लेता है और फिर फर्जीवाड़े से अपना बना लेता है। ऐसे फर्जीवाड़ों को भी जांच एजेंसियां आसानी से पकड़ लेंगी और जमीन सरकार की हो जाएगी।